तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं होंडा एसपी 125 बीएसिक्स मॉडल पे कुछ डिसएडवांटेज और कमियां कि 95,000 में ये बेटर है या इसको बाय करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। इस वीडियो पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और वीडियो पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब तो वैसे भी फ्री है गाइस। सबसे पहले इसकी डिसएडवांटेज आपको ये बता देता हूँ गाइस कि ये इसका जो बॉडी है सब फाइबर बना है। देखो, देख सकते हो आप, इसका जो आवाज़ है आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो, ये भी फाइबर का है, ये भी फाइबर का है। और दिखा देता हूँ आपको, ये पूरी फाइबर बॉडी है इसकी, पूरी आवाज़ कर रही है। बाइक की सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि बाइक पे FI सिस्टम लगा दिया गया है, जो कि बाइक स्टार्ट होने से पहले एक छोटा आवाज़ करती है। और फ्यूल कैपेसिटी इसलिए इसमें ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाइक पे 2.5 लीटर पेट्रोल रहना ज़रूरी है, इससे आपका FI सिस्टम बचा रहेगा। और अगर इससे कम का पेट्रोल आप रख के गाड़ी चलाते या बाइक चलाते हो तो FI सिस्टम उसमें ख़राब हो सकता है। और FI सिस्टम बनवाने के लिए आपको वही 10,000 या 15,000, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। होंडा कंपनी ने बाइक की माइलेज के लिए इस पर बहुत ही ज़्यादा काम किया है, क्योंकि इसका जो मेटल बॉडी है, ये सब जो बॉडी लगा है, ये पूरा फाइबर बॉडी है। आप देख पा रहे हो, यहाँ भी लगा है फाइबर बॉडी, और ये चेन पॉकेट या चेन साकेट बोलते हैं इसको, इस पर भी आपका ये फाइबर का लगा है, जो कि बहुत चीप है। और ये इंजन पर देख सकते हो आप, ये भी साउंड कर रहा है गाइस। तो बाइक की माइलेज को ज़्यादा ध्यान देते हुए बाइक पे थोड़ा लाइट वेट रखा गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा माइलेज और बेटर रहे। बाइक के टायर की बात करें तो गाइस आपको 80x100 का टायर देखने को मिल जाएगा फ्रंट में, और बाइक के बैक में भी आपको 80x100 का टायर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि मैं अपने बाइक पर 90x100 का जो टायर लगाया हूँ। के कलर की बात करें तो गाइस बाइक ये एसपी मेरे को परचेज़ किए हुए ये 8-9 महीने हुए हैं, और इसका जो कलर है आप देख सकते हो कैसे उखड़ रहा है ये सामने भी। और इसका जो देखो ये गियर बैग का जो पीछे साइड का है, ये भी उखड़ रहा है। तो होंडा कंपनी को थोड़ा कलर ग्रेडिएशन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बाकी दूसरी बाइक के कंपेयर में होंडा एसपी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसको आपको देखने को मिल जाएगा 16.5 का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। बाकी ग्लैमर, पल्सर, ये सब को देखने को मिल जाएगा आपका 18 का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है गाइस। ये होंडा कंपनी को थोड़ा सुधारना चाहिए, और बाकी सब तो ठीक है। कमेंट में बताओ गाइस आपको होंडा एसपी कैसा लगता है, या आप कंफर्टेबल हैं तो इसको कैसे रखते हैं। बाकी दूसरी 125 सीसी की बाइक में सबसे ज़्यादा डिमांडेड और सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक होंडा एसपी को माना जाता है, क्योंकि गाइस इसमें बहुत ही ज़्यादा फीचर्स और एडवांटेज हैं, बहुत ही कम इसके डिसएडवांटेज हैं। तो बहुत ही लो और लो कैटेगरी वाले लोग भी इसको अच्छे से परचेस कर सकते हैं, जिसका बजट कम हो। और माइलेज के हिसाब से आप अपग्रेड टायर नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि टायर अगर अपग्रेड करते तो आपको ये 60 या 58 के आसपास आपको माइलेज मिल जाएगा। और टायर अगर अपग्रेड नहीं करते गाइस तो आपको 60 से प्लस 65-70 तक की भी माइलेज अच्छी खासी दे देगी ये बाइक। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट, शेयर, सब जगह दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को दबा दीजिए